और आज मैं अपनी दोस्त पर प्रैंक करने वाला हूँ जिसका नाम है जूही। लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते, कम से कम घर पे तो कर ही सकते हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, देखते हैं ना। एक्चुअली ना उसका बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप मैंने कराया था बहुत टाइम पहले, क्योंकि उसने मेरा ब्रेकअप कराया था। तो मैं जूही को कॉल करने वाला हूँ वीडियो कॉल पे, तो चलो कॉल करते हैं और उसके बाद ना ये एकदम मस्त सा प्रैंक करेंगे, बहुत जबरदस्त वाला। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने उसको पहले कह दिया कि मैं उसको कॉल करने वाला हूँ, मतलब वो इस कॉल करके तो उसको मैंने बुला लिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है और तुम करती हो, तुम इतने अच्छे व्लॉग लिख रही हो आजकल, तुमने तो बताया भी नहीं तुम कब से व्लॉग लिखने लगी। बस दिल टूटा है मेरा तब से लिखने लगी। अरे हाँ यार दिल टूटा से नहीं, मैं ना सोच रहा था लॉकडाउन में बैठे बैठे कि मैंने कुछ गलत काम किए एक दो, जैसे कि फिर मैं कन्फेस करना चाहता था तुमसे कि वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना मोंटी, मोंटी जो था तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छा था यार, वो ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा था मतलब अच्छा है, गया थोड़ी है मैं छोड़ के, मतलब अब तो तुम्हारी बात नहीं होती है उससे। हाँ बात नहीं होती लेकिन दिल में जगह तो आज भी है, अगर तुम मुझे वो चीजें नहीं बताते नहीं बताते तो असलियत ना बताता तो बचा रह जाता। एक्चुअली वो असलियत नहीं थी, वो मैंने झूठा क्रिएट किया था, वो मैंने ना उसकी फोटो जो तुम्हें दिखाई थी वो एडिट हुई पड़ी थी, बंदा तो सही था वो। तो वो जो मैंने तुम्हें वो ब्रेकअप मैंने कराया था तुम्हारा, मतलब कि जो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था ना जिस बात पे कि उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है ना, तो उसकी हाँ। थी नहीं गर्लफ्रेंड एक्चुअली, वो मैं वो फोटो एडिट करके लगा दी थी। अब मैं सोच रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, अब मैं तो मैंने सोचा कि आज बताना चाहिए तुम्हें ये बात। तुम अब जोक कर रहे हो या पहले जोक था? नहीं पहले जोक था, वो मुझे नहीं पता था ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप हो गया वो। तुम हंस रहे हो, मतलब मुझे भी मैं सही से रिएक्ट नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही कि मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, मतलब इतने टाइम तक वो मुझसे सॉरी बोलता रहा, मैंने तुम्हारे फोटो पर यकीन करा, तुम्हें सही नहीं लगता, तुम्हें सही नहीं लगता तो उसका क्या होता था कि मेरे लिए तो वो अच्छा था। मैं जानती थी, मैंने तुमसे कहा तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ था गर्लफ्रेंड से, और क्या तुम वो उसको लगा कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा घूमता हूँ उसको टाइम नहीं देता, तो उससे मेरा ब्रेकअप हुआ ना। और तुमने भी कहा कि कर लो ब्रेकअप, तुमने कहा कर लो ब्रेकअप, तो बदला तो लेना था मुझे। अरे वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, पूरे टाइम ठीक नहीं था, तुम कभी कभी उसके साथ कभी उसके साथ फेसबुक पर तुम्हें होल्ड करके और उससे बात करती थी, तो मैंने इसलिए तुम्हें बताया ना क्योंकि तुम मेरे दोस्त में नहीं चाहती थी, तुम ऐसे किसी के चक्कर में पड़ो कि अपने पड़ोसन के साथ, मुझे लगता था ऐसा, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, बड़ा नाजायज सा लगता था। तुम्हें अच्छा नहीं लगने से क्या मतलब है, मुझे अच्छा लगता था यार, तुमने मेरा पूरा मतलब हमारा दो साल का रिलेशन तुमने दो मिनट में खत्म करवा दिया, और मैंने फोटो पर ओपन कर दिया, हम छुपे आई, मतलब मुझे लगा तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुमने फोटो दिखाया और वो तुमने जो मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई थी वो क्या, वो भी क्या तुम्हारा ही अपना, तो वो
वो रिकॉर्डिंग तो ऐसे था, वो मैंने उसको कहा था कि ये बोल दियो मेरी दोस्त एक का ब्रेकअप कराना है, मैं कह दूंगा तेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है, उसको क्या पता था वो उसी का ब्रेकअप हो रहा यार उन मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी, मतलब उसने तुम्हें देने का दिल कर रहा है, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, सबको बोलूँगा अपनी अकाउंट यार मैं भूल करूँ कि मतलब तुमने बोला और मैंने मान लिया, यार मतलब मुझे ऐसे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब बंदे ने अच्छा क्या कुछ नहीं कर रहा क्या, तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब लॉकडाउन में ऐसे समय में अपने पार्टनर की जरूरत है, मैं अकेले बोर वो रहती मुझे हूँ भी तो याद थी, में, तुमने मेरा ब्रेकअप कराया, मैंने मतलब मेरा ब्रेकअप कैसे कराया था ये तुमने ही बताओ, कराया, वो ब्रेकअप तुम्हारी वजह से ही हुआ था तुम्हारे और कि मेरे, तुम्हारे और मेरे ब्रेकअप में फर्क था, मतलब मैंने तुम्हें बताया एक ऐसे रिश्ते से जो ठीक है, मैंने किसी अरे तो लड़की जैसे भी था करेक्टर मतलब तो मुझे टाइम नहीं पास तो हो बताया, रहा था, मजे तो आ रहे थे मुझे जिंदगी में, तो टाइम मतलब पास करने में तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, कहाँ तुम मिली मुझसे अब बातें नहीं करते हो मेरे को क्या, तो मैं नहीं बात मिली, नहीं करते क्या, ये किससे बात, बताओ मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या, तुम मुझसे बात नहीं करते, हाँ तो तुमसे तो बात करता हूँ मैं, गर्लफ्रेंड की बात तो अलग होती है ना, थोड़ी ऐसी ऐसी बातें होती है गर्लफ्रेंड से मैंने कभी तुमसे कभी। कहा नहीं, तुमसे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना, तुम बताओ मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी मैं तुम्हारी सूगली सूगली गर्लफ्रेंड बना दोस्त है सारी, क्या है, सूगली सूगली दोस्त है तुम्हारी, एक भी अच्छी नहीं है, कौन सी अच्छी है, नाम नहीं लेना अभी चाहता मैं तुम किसी मुझे, का तुम भी। मेरे रिश्ते में भी ऐसी आ रही है, तुम मतलब तुम्हें मेरी दोस्तों से प्रॉब्लम होती है, तुम्हें सबसे प्रॉब्लम है जो मेरे करीब है, मतलब क्या है ये सुगली नहीं ऐसा तो नहीं सुगली दोस्त, नहीं ऐसा ही है, तो है, ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरे दोस्त नहीं थी तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बन जाती, कहाँ से बन जाती, नहीं बनी ना मेरी, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं अकेले क्या करूंगा, तो अगर मेरा मेरी कोई तो गर्लफ्रेंड तुम नहीं है तो ऐसे ही तुम्हारा टाइम भी पास बॉयफ्रेंड नहीं करते हो, होना चाहिए, तुम्हें देखो तुम्हें ऐसे उसके ही टाइम पड़ोसन पास के साथ करते ना चलो जाए ना, मुझे संबंध थे तुम्हारे बॉयफ्रेंड आता तो मुझे आती आ रही है, तो इतने टाइम से के। तुम्हें बता कर जाता होगा ना वैसे वो पड़ोस के यहाँ जा रहे हैं, और क्या, मैंने सब देखा था उसको आ जाते वाते, तो तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी भाभी थी क्या थी, तो मैंने कब कहा उसकी भाभी थी, तुमको बता रखा था उसने भाभी कौन थी है सी ना। नहीं तुमको बता के रखा था ना, तुमको बोल कर जाता था तो मैं जा रहा हूँ तो अरे मैं देखता था पड़ोस नहीं है, सीआईडी, मैं ऐसे ही थोड़ी ना, मेरा ब्रेकअप हुआ मैं क्या खाली बताओ थोड़ी तुम जाते हो, बोलूंगा। मगर आज ब्रेकअप को तुम्हें टाइम हो गया, तुम याद दिला रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा, मतलब बीएस मैं क्या तो करूँ, यही मतलब सोचा, गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं भी तुमने ना मेरा काट दिया, लाइन काट दिया, हाँ पर देखो जे ये तो बताओ होना ही था, देखो एक ना एक दिन क्यों ऐसे मैं अच्छा होना ही था, ये तो देखो जे ऐसे तो होता ही है, इतनी मेरा हुआ तो तुम्हारा तो होना ही था, अब एक दोस्त अच्छा मगर अकेला ये बैठा है तो हो इतनी गया देर तक, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी तुम्हें भी साथ ले में डूबे, हाँ डूबेंगे, हम तो तो तुम मेरे भी कूदेंगे सनम डूबे, पहाड़ पे से, तुम्हें भी ले मतलब कूदेंगे, मेरी बंदी नहीं रही तो तुम्हारे कैसे रह सकते हैं, जेलस तुम्हारे पर्सन कैसे, तुम्हें, सही बिल्कुल सही बात, अब मेरी जैसी बंदी थी, चाहे वो उसके रीट आता हो, चाहे वो बाल ना नहाती ना हो, ढेरे पड़े हो तुम्हारी उसके बंदी के बाल बारे में मैं तुम्हारी बंदी के बारे में क्या करूँ, एक नंबर की ऐसी औरत जो तुम तो डर की वो कहना नहीं चाहिए, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम्हारी बंदी के बारे में, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हें चली गई तो क्या हो गया, ऐसे बोलोगी, कितनी तो चली शरीफ थी, गई, और 3 बॉयफ्रेंड थे सिर्फ उसके उस टाइम पर, तुम बताया वो किसने डूबे था, मैंने बताया था तुम्हें भी सच्चाई के साथ, जैसे नहीं लड़के तो तो अंधे तीन होते हैं, ज्यादा फिर थोड़ी होते हैं, वापस कई लौट जगह के तो पांच होते हैं, फिर और इट्स हर छोड़ के चॉइस, चली जाती इट्स है, हर चॉइस, फिर जब छोड़ के चली जाती है उनके वाले उनको छोड़ देते हैं तो फिर पुराने वाले के बाद पास वापस आ जाती है, मेरे शर्म पास भी है आएगी, तो मतलब बैठती नहीं चांसेस है, है मेरे पास आने के उसके, मैं भी तो पुराना ही हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, हाँ पता नहीं किस तरह का प्यार है कि मतलब एक्सेप्ट कर लो तो ना करो सकते, तुम नहीं करोगी ना मोंटी का, मैं मोंटी से बताऊंगा तेरा ब्रेकअप मैंने कराया, कम से कम लॉकडाउन बता दो तो खुलेगा बस जब कुछ वो तो रहेगा करने को, मतलब कुछ एक दो लड़ाइयाँ तो होंगी, हाँ करवा लो, खैर बचपन का तुमने मतलब पहली बार प्यार हुआ बचपन से, आज तक कभी किसी को हुआ नहीं था, पहली मोंटी जिंदगी में आया, तुमने उस मोंटी को ही अरे मुझसे छीन शुरू लिया, से शुरुआत अरे तुम होती मेरा दोस्त है दुश्मन बनाए, मतलब है। गुस्सा आ रहा है मैं तुम्हें, तुम्हें बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पा रही, लॉकडाउन की वजह से ना मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, मतलब क्या गुस्सा करना चाहिए वहां मेरा मैं भी गुस्सा नहीं संतुलन बता रही बिगड़ हूँ, सा रहा था, मैंने सोचा मैं करूं क्या, फिर मैंने अच्छा तो संतुलन मतलब एकदम से तुमने सुधरा, ये मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है तुमने मजे लेने के लिए ना मुझे कॉल करा है कि मैं ऐसे करूंगा ये करूंगा, मतलब मुझे तो ये नहीं पता, ये प्रैंक हो रहा है।
मतलब रिकॉर्ड ये तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, ये हमारी रिकॉर्ड कर रहे कन्वर्सेशन हो। रिकॉर्ड कर रही, हाँ ये चाह मतलब रहे तुम्हें मतलब तुम कितने मिलाया तो मुझे बता तो देते, मैं अपने थोड़ा सा मैटर सेगा चलता है तो बैग की डिस्टिंग लगा के तुम मुझे बता दे। आज की बातें कैसे निकल के आते, रात की बात है, पब्लिक को सुना रहे हो, मतलब पब्लिक को नहीं सुना रहे तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। मतलब मैं क्या करूं, मतलब तुम प्रैंक करो तो मैं, तुम मेरे साथ भी प्रैंक करो तो मतलब अपने दोस्त को भी नहीं बख सकते, मतलब कैसे इंसान है लड़ाया जा रहा है शर्मा जो अरविंद शर्मा जी। सबसे पहले दोस्तों के साथ ही होना चाहिए प्रैंक, तभी तो पता मतलब सबसे पहले दोस्तों से ही दोस्तों पर काट दो पहले तो गलत है ये, गलत है।